नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम स्लैब की कास्टिंग से पहले इलेक्ट्रिकल पाइप की फिटिंग के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कास्टिंग की जानी है, इसके पहले इलेक्ट्रिकल पाइप लगाया जा रहा है, जिसमें कि सबसे पहले देख सकते हैं साइड में छज्जा निकला है 3 फीट का, जिसमें कि सीलिंग कंसील बॉक्स लगाया गया है। ये छज्जा साइड में है और आगे की ओर भी छज्जा रखा गया है, तो आगे के लिए और साइड के लिए दोनों के लिए कंसील बॉक्स लगाया गया है सीलिंग लाइट के लिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो जो हमारा सामने की ओर दिख रहा है, ये हमारा फर्स्ट रूम है, तो इसके लिए सेंटर पर फैन बॉक्स रखा गया है और 2 कंसील बॉक्स रखा गया है सिंगल लाइट के लिए, और दीवार के तरफ पाइप लगाई गई है सप्लाई के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये हमारा सेकेंड रूम है। इस सेकेंड रूम के ऊपर का भी सेम है, क्योंकि फैन बॉक्स है और 2 कंसील बॉक्स है, और साथ ही दीवार की तरफ लाइट के लिए इलेक्ट्रिकल पाइप लगाया गया है। इसके बाद बीच में आते हैं, यहाँ पर बीच में हॉल है, इसमें 2 फैन बॉक्स है और 2 कंसील बॉक्स है, और साथ में दीवार की तरफ लाइट के लिए पाइप लगाया गया है। इसी तरह से आगे चले तो हमारा इसके बाद आएगा किचन। तो ये कोने में हमने किचन रखा है, बीच में एक फैन बॉक्स लगाए हैं। और आगे देखें तो यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम है, जो कि बिल्कुल फ्रंट में है। ये ड्राइंग रूम में हमने 4 कंसील बॉक्स लगा रखा है लाइट के लिए, और 1 फैन बॉक्स है, और साथ में दीवार की तरफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए पाइप लगाए हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल पाइप की फिटिंग है।